हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान इंग्लिश वर्कबुक फॉर क्लास सिक्स करेंगे और इसमें आज हम करेंगे वर्कशीट 17, लेसन इज फेयर प्ले। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। निम्नलिखित शब्दों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। तो ये आपको जो है दे रखे हैं। फर्स्ट में है कर्ड, केक, कोकोनट और कोका कोला। तो डिक्शनरी के अनुसार जो है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो वैसे तो सारे सी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर हमें देखना है कि एक ही समझाता हूँ, बाकी आप फिर उसी हिसाब से करेंगे। तो सी से सभी स्टार्ट हो रहे हैं, फिर सेकंड वाला देखें तो ए सबसे पहले आएगा, तो केक हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद आपको पता ही है कि और है, यू तो बाद में आता है, ओ ओ जो पहले आएंगे, और ओ ओ में भी जो है दोनों में ओ है तो अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं। फिर सी सी अभी भी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। फिर ओ और ए, तो ए पहले आता है ओ से, तो आगे आगे चलते देखते रहना है। तो कोका कोला पहले हो जाएगा, फिर बात आती है कोकोनट की, और लास्ट में सी यू कर्ड। तो मैंने लिख भी रखे, सब पे नंबरिंग की भी कर रखी है। पहले में केक, दूसरे में कोका कोला, तीसरे में कोकोनट और चौथे में कर्ड, और उसके बाद इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, केक, कोका कोला, कोकोनट और कर्ड। इसी हिसाब से हमने जो है बाकी भी करने हैं। बिस्किट, ब्लैकबेरी, ब्लू जींस, बन, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था उसी हिसाब से हैं। तो बिस्किट वन पे आएगा, ब्लैकबेरी टू पे, ब्लू जींस थ्री पे और बन फोर पे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है करेक्ट ऑर्डर जो बनेगा, बिस्किट, ब्लैकबेरी, ब्लू जींस और बन। आगे चलते हैं थर्ड पर, गिवन है पाइनएप्पल, पीनट, पेस्टल शीट्स और पॉपकॉर्न। तो पेस्टल शीट्स वन पे, पीनट टू पे, पाइनएप्पल थ्री पे और पॉपकॉर्न फोर पे। तो करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा पेस्टल शीट्स, पीनट, पाइनएप्पल और पॉपकॉर्न। आगे चलते हैं, जो गिवन वर्ड्स हैं वो हैं वाटर, वेस्ट, वीक और वाटरमेलन। तो वेस्ट नंबर वन पे, वाटर जो है टू पे, उसके बाद जो है वाटरमेलन थ्री पे और वीक जो है फोर पे। तो सबसे पहले वेस्ट, फिर वाटर, फिर वाटरमेलन और फिर वीक। इसके बाद फिफ्थ पे चलते हैं, गिवन वर्ड्स हैं डाइवर्सिटी, डिजीज, डैमेज और डीके। तो डैमेज वन पे आएगा, डीके टू पे, डिजीज थ्री पे और डाइवर्सिटी फोर पे। तो करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा डैमेज, डीके, डिजीज और डाइवर्सिटी। इसके बाद सिक्स पर चलते हैं, गिवन वर्ड्स हैं स्किल, स्काई, स्किट और स्लैम। तो सबसे पहले आएगा स्लैम, सेकंड पे आएगा स्किल, थर्ड पे आएगा स्किट और फोर्थ पे आएगा स्काई। तो सबसे पहले करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा स्लैम, फिर स्किल, फिर स्किट और फिर स्काई। आगे चलते हैं, जो गिवन वर्ड्स हैं वो हैं काइंड, किटन, नॉट और नाइट। तो काइंड आएगा वन पे, किटन आएगा टू पे, नाइट आएगा थर्ड पे और नॉट आएगा फोर्थ पे। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा काइंड, फिर किटन, फिर नाइट और फिर नॉट। इस तरह से आपको करने हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ये आपको करने हैं। उसके बाद सेकंड पर चलते हैं, एनसर्कल द वर्ड इन ईच ग्रुप दैट कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको जो है वर्ड को एनसर्कल करना है प्रत्येक ग्रुप में जो सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ग्रुप ए देखते हैं, सबसे पहले फिश है, टुमारो है और वाटर है। तो स्टूडेंट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एफ आएगा, टी और डब्ल्यू जो है वो बाद में आते हैं, तो हम फिश को एनसर्कल कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप बी की, इसमें गिवन जो वर्ड्स हैं वो हैं सैंडविच, सनशाइन और लेमोनेड। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है सबसे पहले आएगा। तो गिवन वर्ड्स मैंने आपको बताए सैंडविच, सनशाइन और लेमोनेड।
अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो जो एल है वो एस से पहले आता है, तो सैंडविच और सनशाइन तो जो है नहीं होंगे, हम सर्कल करेंगे लेमोनेड को, क्योंकि एल जो है वो एस से पहले आता है, तो लेमोनेड जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सैंडविच और सनशाइन से पहले आएगा, इसलिए लेमोनेड जो है वो आपका एन सर्कल होगा। अब बात करते हैं ग्रुप सी की, तो इसमें है आइसक्रीम, फोर्टनाइट और नाइट। तो अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखें तो एक वर्ड है आई से, एक एफ से और एक एन से, तो एफ़ पहले आता है तो हम फोर्टनाइट को जो है एन सर्कल करेंगे। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप डी की, गिवन वर्ड्स हैं पिकल, स्वीट और वर्लपूल। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात देखें तो एस और डब्ल्यू जो है वो बाद में आएंगे और पी पहले आएगा, तो पिकल को जो है हम एन सर्कल करेंगे। तो ग्रुप ए पे हमने एन सर्कल किया फिश को, ग्रुप बी में लेमोनेड को, ग्रुप सी में फोर्टनाइट को और ग्रुप डी में पिकल को। अब चलते हैं हम आगे, लुक एट द वर्ड्स ऑन ईच कैटरपिलर, राइट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इनमें जो है हमने कैटरपिलर पर वर्ड्स को देखना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हैं ग्रीन, बोथ, अस और बीन, ये चार वर्ड हैं, एक दो तीन और चार। तो इसमें आपको सबसे पहले पता ही है कि बीन आएगा, बी डबल ई एन, ये वन पे आएगा, तो बीन यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा, बीन पे वन लिख देते हैं। फिर आएगा आपका बोथ, बी से स्टार्ट है तो बी में क्या है, ई पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो इसलिए बीन पहले आ गया और बोथ बाद में चला गया। उसके बाद अंडरस्टूड है कि ग्रीन आएगा और लास्ट में जो है अस। अब बात करते हैं सेकंड कैटरपिलर की, उसमें गिवन है हमें गोज, राइट, टेल और रीट। तो सबसे पहले जी आता है तो गोज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आर आएगा यानी रीड, फिर जो है टेल यानी जो टी से स्टार्ट हो रहा है, और फिर डब्ल्यू से राइट। तो ये चौथे नंबर पर, फर्स्ट में गोज, सेकंड में रीड, थर्ड में टेल और फोर्थ में राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर, हियर आर मैजिक वर्ड्स, दे आर कॉल्ड होमोफोन्स, दे हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी देन राइट देयर मीनिंग इन द प्लेस प्रोवाइडेड। ये वर्ड्स आप डिक्शनरी में देखें और फिर उनका मीनिंग लिखें जो स्पेस प्रोवाइडेड है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है हिंदी में मीनिंग दिए हुए हैं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं डिक्शनरी में से देखकर। तो फर्स्ट है एक्सीड और सेकंड है एक्सीड, तो जो फर्स्ट का एक्सीड का होगा मान लेना, और दूसरा है एक्सीड सीमा से आगे बढ़ना, फिर है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट का होगा स्वीकार करना और एक्सेप्ट का होगा के अलावा या के सिवाय, फिर एडिशन और एडिशन, ये एडिशन का मतलब जोड़ करना और इस एडिशन का मतलब होता है संस्करण, फिर ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स सब तैयार, और ये ऑलरेडी मीन्स पहले ही। उसके बाद एक्सेल, यहाँ एक्सेल ही लिखा है, और एक्सेल मीन्स धुरा, एक्सिस कुल्हाड़ी और एक्सिस धुरी। फिर उसके बाद ए सदा और आई आँख, फिर बॉल कटोरा और बॉल गेंद। उसके बाद बीन माने होना, और ये बीन मीन्स डिब्बा। उसके बाद आगे चलते हैं टेन पे, बियर, आपको पता ही है बियर होती है पीने की, फिर उसके बाद दूसरा जो बियर है इसका मतलब होता है अर्थी। फिर है चीप, भिन्न होना, और ये चीप माने सस्ता। फिर ये चूज यानी चबाना, और इस चूज माने चुनना। तो ये आप अपने हिसाब से भी डिक्शनरी में देखकर इनके मीनिंग्स लिख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में, स्पेस आपको प्रोवाइडेड है, तो हो सकता है कि भी आपको मीनिंग्स कुछ अलग भी मिल जाएं, लेकिन मोस्टली यही मिलेंगे। तो यदि आपको स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो है
ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वर्कशीट 18 लेकर आएंगे। थैंक यू।